हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक गूगल डॉक का है और बहुत ही शानदार तरीका जो कि आपको टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग के चक्कर से मुक्ति दे देगा, ऐसा एक तरीका है गूगल डॉक में। तो चलिए आज इसी की बात करेंगे हम। अगर आपको एमएस वर्ड में हिंदी टाइपिंग करनी है तो कैसे आप टाइप करते हैं, तो लाइक यहाँ पे कृति फॉन्ट आप डाउनलोड कर लेते हैं और कृति फॉन्ट के ऊपर जो भी आपको टाइप करना है, ठीक है, मेरा इस तरह से करके आप टाइप करते हैं। तो देखिए ये अभी मैं यूज कर रहा हूं गूगल इनपुट टूल का। तो अगर मैं गूगल इनपुट टूल का यूज करता हूं तो हमको सिंपली यहां पे लिखना है मेरा, तो ये मेरा आ गया। यहां देखिए ये यहां से गूगल इनपुट टूल मैंने यूज किया है, यहां पे आप देख सकते हैं ये गूगल इनपुट टूल है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप जैसे इंग्लिश में टाइप करते हैं सिंपली वैसे ही आपको टाइप करके यहां पर भी लिखना होता है, बहुत ही आसान तरीका है। तो यहां पे मैं लिखता हूं नाम, ठीक है, देखिए सूरज, तो अभी आपको सूरज जैसे लिखते हैं वैसे लिखिए हिंदी में, ठीक है। इसी तरह से आप इंग्लिश वर्ड का प्रयोग करिए, मैं, तो यहां पे लिखा मैंने मैं, ठीक है, ये देखिए ये हो गया एक, तो यहां पे लिखा मैंने एक अध्यापक हूं, तो ये लिखा मैंने अध्यापक हूं, ठीक है, तो एच यू एन, तो ये हूं हो गया। तो ये तो हो गया गूगल इनपुट टूल। और अगर आपको हिंदी टाइप करना है तो क्या करेंगे, कृति फॉन्ट से, तो यहां पे कृति फॉन्ट आपको चूज करना पड़ेगा। यहां पे देखिए मैंने कृति फॉन्ट चूज कर रखा है, ये देखिए ये कृति फॉन्ट है, ठीक है, तो ये फॉन्ट मैंने चूज किया है। और अगर मुझे लिखना है आगे तो मैं इसी कृति फॉन्ट का यूज करूंगा, लाइक मुझे लिखना है सूरज, तो एल प्रेस करूंगा स के लिए। अब देखिए इसको पहले हटा दूंगा, यहां से गूगल इनपुट टूल को चेंज कर दूंगा, यहां इंग्लिश इंडिया कर दूंगा, ठीक है। तो अब यहां पे मैं लिखता हूं सूरज, तो एल प्रेस किया स के लिए, ऊ की मात्रा लगाने के लिए डब्ल्यू प्रेस किया, जे प्रेस किया र के लिए और टी प्रेस किया ज के लिए। तो इस तरह से आपको यह टाइप करना पड़ता है। तो इन सब चक्करों से आजादी मिल जाएगी और बहुत ही एकदम से फास्ट टाइपिंग आप कर पाएंगे, कैसे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, गूगल डॉक को आप ओपन कर लीजिए। ये ओपन कर लिया मैंने गूगल डॉक, आप इंटरनेट से कनेक्ट हो जाइए, ठीक है, ज्यादा देर के लिए नहीं रहना है, बस थोड़ी देर के लिए। और अब मैं शुरू करने वाला हूं टाइपिंग। तो यहां से आपको जाना है टूल्स पर, ये जो टूल्स दिखाई पड़ रहा है यहां पर चले जाइए और यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाता है वॉयस टाइपिंग का, ठीक है। तो आपको यहां पे वॉयस टाइपिंग पे जाना है, क्लिक करना है और यहां से आपको हिंदी चूज कर लेना है। यहां पर क्लिक करेंगे ना तो ये आपको हिंदी नीचे मिल जाएगी, आप हिंदी चूज कर लीजिए। और अब आपको कुछ करना नहीं है, माइक्रोफोन अपना लगा लीजिए और जो भी आपको टाइप करना है वो आपको सिर्फ बोलते हुए चले जाना है, ठीक है। लाइक अगर आप कंप्यूटर के बारे में कुछ टाइप कर रहे हैं तो इस तरीके से मैं आपको टाइप करके बताता हूं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो यूजर से डाटा लेती है और कुछ सब ऑपरेशंस परफॉर्म करती है, इसके बाद वह आंसर देती है, तो इसे कंप्यूटर कहा जाता है। अतः कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे हम यूज करते हैं और हमारा काम और भी ज्यादा आसान बन जाता है। तो कंप्यूटर हमारे लिए काफी उपयोगी है और कंप्यूटर के बहुत सारे उपयोग हमारे लिए हैं, जैसे कि हम रेलवे, एयरलाइंस, साइंटिफिक रिसर्च इत्यादि में कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी के साथ टाइप कर पा रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहां पर क्लिक कर देता हूं, अब देखिए ये टाइपिंग रुक गया है। अब आपने इतना टाइप कर लिया, अब यहां फाइल पे जाइए और इसे यहां से चाहे तो आप डाउनलोड कर लीजिए और आप इसे एमएस वर्ड पे ओपन कर सकते हैं। यहां पर दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसे डाउनलोड करना चाहते हैं, किस फॉर्मेट में आप डाउनलोड करना चाहते हैं, यहां से डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद उसी को ले जा करके आप ओपन कर लीजिए और फिर फॉर्मेटिंग सिर्फ आपको करनी है, बाकी हिंदी टाइपिंग से आपको मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर हेल्पफुल लगेगी, क्योंकि ये आपके हिंदी टाइपिंग वाले चक्कर को बड़ा आसान कर देगी और आसानी से आप टाइप कर पाएंगे केवल बोल करके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।